आने वाले दिनों में इस मंत्रालय के माध्यम से कई ऐसे प्रोसेसिंग यूनिट खोले जाएंगे, हाजीपुर का केला हो या मुजफ्फरपुर की लीची हो या मखाना हो या आम हो, यहाँ ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो अगर यहीं पर प्रोसेस हो जाए राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा। ऐसे में ये जो बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुझे दी गई है, इसका पूरी ईमानदारी से और पूरी निष्ठा के साथ इसका पालन किया जाएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय की एक ऐसी जिम्मेदारी है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, बिहार जैसा राज्य जो कृषि प्रधान राज्य है, और आप सब लोगों ने अक्सर सुना होगा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से हमने हमेशा इस बात का जिक्र किया है कि बिहार में प्रोसेसिंग यूनिट्स होने चाहिए ताकि किसानों के हाथ में ज़्यादा आमदनी आए, ताकि राज्य का राजस्व बढ़ सके। इस बात का जिक्र बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से अक्सर हमने किया है। ऐसे में मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने मुझे फूड प्रोसेसिंग विभाग की ही जिम्मेदारी दी है, जिसके माध्यम से आने वाले दिनों में जिम्मेदारी देश भर की है, पर बिहार में भी आने वाले दिनों में इस मंत्रालय के माध्यम से कई ऐसे प्रोसेसिंग यूनिट खोले जाएंगे, हाजीपुर का केला हो या मुजफ्फरपुर की लीची हो या मखाना हो या आम हो, यहाँ ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो अगर यहीं पर प्रोसेस हो जाए, उसकी पैकेजिंग हो जाए, तो ना सिर्फ उससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी बल्कि राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा। ऐसे में ये जो बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुझे दी गई है, इसका पूरी ईमानदारी से और पूरी निष्ठा के साथ इसका पालन किया जाएगा। देखिए, नीट का विषय एक गंभीर विषय है, ऐसे में सरकार की प्राथमिकता है कि किसी भी बच्चे के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। मेरे प्रधानमंत्री जी खुद उनकी निगरानी, खुद वो मॉनिटरिंग इस चीज़ की कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत कर रही है। कई ऐसे बच्चे हैं जो रीएग्जामिनेशन के पक्ष में नहीं हैं, कई हैं जो चाहते हैं कि रीएग्जामिनेशन हो। ऐसे में बीच में पेपर लीक का भी मामला आया, जिसको लेकर अभी जांच चल रही है। कई लोग न्यायालय भी गए हैं जहां पे अभी मामला विचाराधीन है। तो जब इसमें इतने सारे पक्ष इन्वॉल्व हैं, जब इसमें इतने सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, तो सरकार सबसे बातचीत कर रही है, सही समय पर सही फैसला लिया जाएगा। पर सरकार की तरफ से ये विश्वास आप लोगों को दिलाता हूँ कि जो भी फैसला होगा वो छात्रों के हित में लिया गया ये फैसला होगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री जी तो इसकी मॉनिटरिंग कर ही रहे हैं, पर हमारी सरकार कोई भी दोषी जिसने ये लापरवाही की है, जिसने गुणवत्ता के साथ जहां पर भी भ्रष्टाचार हुआ है, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। भविष्य में जितने नव निर्माण होंगे, हम लोगों की इस डबल इंजन की सरकार के आने के बाद सुनिश्चित किया जाएगा कि गुणवत्ता के साथ कहीं कोई छेड़छाड़ ना हो। बिहार आए हैं पहली बार केंद्रीय मंत्री बनने के बाद, उसको लेकर के बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी गई है,
उसको पूरी ईमानदारी और निष्ठा से पूरा करूंगा। लोगों का प्यार है, स्नेह है और इन्हीं की मेहनत है कि आज हमारी पार्टी इस मजबूत परिस्थिति में पहुंची है, तो कार्यकर्ताओं का उत्साह स्वाभाविक है। ये चिंता का विषय है, सरकार पूरी गंभीरता से लगी हुई है। प्राथमिकता छात्रों का भविष्य है और इस बात को सुनिश्चित करना कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो। ये गंभीर विषय है और सरकार पूरी गंभीरता से हर एक स्टेक होल्डर से इस विषय को लेकर बातचीत कर रही है। प्राथमिकता बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखना। देखिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट हम लोग की सोच ही नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की आत्मा है। इसको लेकर ही हम लोग हर कदम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिस विभाग की मुझे जिम्मेदारी दी है उसके माध्यम से भी कई चीज़ें बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को धरातल पर उतारने के लिए हम लोग कर सकते हैं, जो हमारी प्राथमिकता रहेगा। बिल्कुल पूरी तरीके से, इस बात को हम पहले भी कह चुके हैं कि 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव मेरे मुख्यमंत्री मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।